हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 6 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 पढ़ लिए हुए थे और उसमें क्वेश्चन कितना तक पढ़े हुए थे, 8 तक ले हम लोग पढ़ चुके थे। आज कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 8.1 कितना के 1 के 8.1 करा। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यदि टैन ए बराबर 1/√3 हो तो साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। उसके बाद दूसरा में पूछा है कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। यानी कि क्वेश्चन भी दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, टैन ए बराबर दिया हुआ 1/√3, टैन ए बराबर 1/√3 और यहाँ पूछ रहा है ए और कथी सी में। अगर टोटल वैल्यू अगर ए में पूछा रहता तो इसका फिगर नहीं बनाते, समझ गया ना। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है सी भी, पूछा हुआ है सी भी पूछ दिया हुआ, यहाँ भी सी पूछ दिया, यहाँ भी कथी सी, तो इस कंडीशन में हम लोग फिगर बना लेते हैं। तब बनाइए सबसे पहले इसका फिगर। करा है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, तो बी समकोण है, बी यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी समकोण है, यहाँ पर मान ले रहे हैं ए, यहाँ पर कितना सी हो जाएगा, ये बी समकोण हो गया। करा यदि टैन ए बराबर 1/√3, टैन ए बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 1/√ कितना 3, तो टैन के फॉर्मूला क्या होता है, टैन के फॉर्मूला कितना होता है, लंब बटा आधार, ई हो गया लंब, आई कितना हो गया आधार, लंब बटा कथी आधार, ए से देखना है कहाँ से ए से, और लंब बटा आधार ए से, यहाँ से लंब कौन हो जाएगा, तो लंब दिया हुआ एक, यहाँ से लंब हो जाएगा बी सी कथी बी सी, यहाँ पर लंब एक, अब बटा आधार, आधार यहाँ से आधार कौन हो जाएगा ए बी कथी ए बी, तो आधार की जगह कितना लिख दे √3। तो हम लोग के निकालना क्या चीज है, ए सी कथी ए सी, आ ए सी हम लोग के पता चल रहा है इस सबसे कथी है बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा कैसे निकालते हैं, अगर बड़ी भुजा निकालना रहेगा तो ये दोनों छोटी भुजा के कथी कर देंगे, बड़ के स्क्वायर करके उसका रूट निकाल देंगे जोड़ के। तो ए सी के स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, यही ना होगा, ए सी सबसे बड़ी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया हुआ है √3, और बी सी कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ पर मान रख दे रहे हैं √3 के स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर, 3 के दो बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, लेकिन रूट लगा हुआ है इसमें, तो इसका आएगा कितना √9, और √9 के बरून कितना निकल जाएगा 3, कितना 3, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सीधे 3, अब प्लस 1 के दो बार गुना करेंगे, 1 के दो बार गुना करेंगे तो कितना जाएगा 1 × 1 कितना आता है 1 आता है 3 + 1, तो ए सी के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए सी के स्क्वायर बराबर 3 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, कितना 4, तो ए सी के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए सी के स्क्वायर बराबर 4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ए सी का वैल्यू कितना निकल गया, ए सी बराबर 2, इसका वैल्यू कितना आ गया 2, ए बी दे दिया √3, ये कितना दिया हुआ था बी सी 1, इसका निकलने पर कितना है 2, कितना 2, तो हम लोग के यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है कि साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी का वैल्यू कितना होगा। चलिए तो इसमें मान रख रहे हैं, ये उतार रहे साइन ए, साइन ए साइन ए साइन बराबर कथी होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से लंब देखना है ए से, तो यहाँ से लंब हो जाएगा 1, कर्ण कितना 2, तो 1/√2 गुने कॉस सी, कॉस सी यहाँ से सी से देखना है तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 1, कर्ण कितना 2, तो 1/√2 आ जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए, घटाव रहता तो घटाव लिख देते, कॉस ए फिर यहाँ से कर रहा है कॉस ए, तो कॉस बराबर कथी होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ से आधार कौन हो जाएगा √3, कर्ण कितना आ जाएगा 2, तो √3/2 अगुने, इसके बीच में अगर कोई चीज का सिंबल ना रहे तो ये कथी हो जाता है गुना, कथी गुना, इसमें भी गुना का निशान होगा। साइन सी, साइन सी यहाँ से साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ से कितना हो जाएगा √3, और कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो √3/2। अच्छा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से 1 में गुना किया जाता है 1, आ 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, आ 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, दोनों में रूट लगा हुआ है तो √9, आ 9 के वर्गमूल कितना आ जाता है 3, तो 3/4, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, जब दोनों का लघुत्तम एक जैसा रहे, दोनों संख्या एक जैसा रहे, तो उसका लघुत्तम भी एक जैसा आता है, तो इसमें क्या करते हैं सीधे ऊपर वाला के जोड़ देंगे, चाहे 4 से 4 में भाग देंगे कई मरतमे कटेगा 1 मरतमे, आ 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 1+, फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा 1 मरतमे, 1 से 3 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3,
तीन प्लस एक कितना चार बट्टा चार, कई मरत में कट जाएगा ये एक मरत में, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया एक। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए कॉस एक, यहाँ से आधार बटा कर्ण, यहाँ से आधार कौन जाएगा रूट तीन, और कर्ण कितना दू, तो रूट तीन बटा दू अगुने कॉस सी, यहाँ से कॉस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण तो एक बटा कितना दू माइनस साइन ए, साइन बराबर होता है लम बटा कर्ण, यहाँ से लम कितना आ जाएगा एक, कर्ण कितना दो, तो एक बटा दो अगुने साइन सी, साइन बराबर होता है लम बटा कर्ण, यहाँ से लम कितना आ जाएगा रूट तीन, कर्ण कितना दो, तो रूट तीन बटा कितना दो, रूट तीन से एक में गुना करेंगे कितना आ जाएगा रूट तीन, और दो से दो में गुना करेंगे तो चार, माइनस रूट तीन से एक में गुना करेंगे कितना आ जाएगा रूट तीन, और दो से दो में गुना करेंगे तो चार, यहाँ पर देखिए तो रूट तीन बटा चार, यहाँ भी कितना रूट तीन बटा चार, ये माइनस में है कथी है प्लस में है, दोनों खत्म हो जाएगा कितना आ जाएगा जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं दसवां, चलिए दसवां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कथी है समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना पच्चीस, पी क्यू बराबर कितना पाँच, तो कह रहा है साइन पी कॉस पी टैन पी का वैल्यू निकालना है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, फिगर बना ले रहे हैं इसका, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है समकोण है, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर पी मान लीजिए, यहाँ पर कथी आर, उसके बाद कथी कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है पच्चीस, कितना पच्चीस, दोनों के ऐड करने पर पी आर और प्लस क्यू आर ये दोनों के वैल्यू दिया हुआ है कितना पच्चीस, यानी कि दिया है पी आर, दिया है कितना पी आर और प्लस कितना क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है पच्चीस, कितना पच्चीस, इसको जोड़ के और इसको जोड़ के दोनों के वैल्यू कितना दिया हुआ है पच्चीस। फिर क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर पाँच सेंटीमीटर, कितना पाँच सेंटीमीटर, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है पाँच सेंटीमीटर, और ये कितना हो सकता है, कितना हो सकता है निकलना है, लेकिन दोनों के ऐड करके कितना दिया हुआ है पच्चीस, कितना पच्चीस, तो हम लोग पी आर के वैल्यू निकाल रहे हैं, पी आर बराबर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए तब पी आर बराबर कितना हो जाएगा, ये जोड़ होने जाएगा था घटाओ पच्चीस माइनस कितना हो जाएगा क्यू आर, पच्चीस माइनस क्यू आर, तो हम लोग के कर्ण पर बैठा दे रहे हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, तो पी आर के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, पी आर के स्क्वायर बराबर पाँच के स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर, अच्छा पी आर का जगह कितना लिख सकते हैं, पी आर बराबर कितना लिख सकते हैं पच्चीस माइनस क्यू आर, पच्चीस माइनस कितना क्यू आर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पच्चीस माइनस क्यू आर के स्क्वायर बराबर पाँच के दो बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा पच्चीस प्लस क्यू आर के स्क्वायर, अच्छा यहाँ देखिए तो ये पच्चीस माइनस क्यू आर है, पच्चीस में से क्यू आर घटेगा नहीं घटेगा, तो इसको कौन सूत्र पर बनाएंगे, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए के जगह कितना है पच्चीस और बी के जगह कितना है क्यू आर बराबर पच्चीस प्लस क्यू आर के स्क्वायर, यहाँ दिखाई दे रहा है, अच्छा यहाँ देखिए तब पच्चीस क्यू आर के स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर दोनों साइड में है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी कथी है प्लस है, खत्म हो जाएगा, अब बच गया कितना पच्चीस के दो बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा पच्चीस के दो बार गुना करेंगे पच्चीस गुने पच्चीस छः सौ पच्चीस, अच्छा इधर साइड में और बच गया क्या चीज़ 625, यहाँ से 25 से दो में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 25 दुना 50 क्यू आर, तो माइनस 50 क्यू आर, उस साइड में देखो तो कितना आ रहा है 25 बराबर में कितना है 25, अच्छा ये देखिए तो ये जोड़ है होने जाएगा तो कथी हो जाएगा घटाओ, तो ये माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना आ गया माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, आ जोड़ है होने जाएगा तो घटाओ माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 50 क्यू आर बराबर 25 को में से 625 को घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 600, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, पाँच से साठ का मरतम करता है 12 मरतम, यानी कि क्यू आर के वैल्यू कितना आ गया क्यू आर बराबर 12, क्यू आर बराबर ई कितना आ गया 12, ये दोनों के जोड़ के कितना दिया हुआ था 25, कितना 25, जब ये अकेला 12 है तो ये कितना होगा 13, कितना 13, ऐसे भी सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण होता है तो ये से ज़्यादा होगा ही 11, तो होने के सवाल है नहीं, तो यहाँ दोनों के जोड़ के कितना दिया होगा तो 25, जब ये 12 है तो ये कितना होगा 13, कितना 13, अब हम लोग को पूछा क्या चीज़ है, कह रहा है साइन पी कॉस पी टैन पी का वैल्यू निकालना, तो साइन बराबर कथी होता है लम बटा कर्ण, साइन बराबर लम बटा कर्ण, यहाँ पी से पूछ रहा है पी पी पी, तो साइन बराबर लम बटा कर्ण, लम कितना आ जाएगा 12, कर्ण कितना आ जाएगा 13, तो पहला का आंसर हो जाएगा 12 बटा कितना 13, उसके बाद देखिए
उसके बाद कह रहा है कॉस पी, कॉस कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ से आधार कौन हो जाएगा पांच, कर्ण कितना आ जाएगा तेरह, तब पांच बटा कितना आ जाएगा एकर तेरह। उसके बाद कह रहा है टैन पी, यहाँ से टैन 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 बराबर कथी होता है लम बटा आधार, लम बटा आधार, यहाँ से लम कितना हो जाएगा पांच, आधार कितना बारह, तब पांच बटा कितना बारह। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन ग्यारह क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं इस चैप्टर के। चलिए हम लोग इसके बाद कितना क्वेश्चन है, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कितना हो जाता है ये बारह बटा पाँच, मिस्टेक हो गया, बारह बटा कितना हो जाता है पाँच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो ग्यारह, ग्यारह क्वेश्चन में कर रहा है सत और असत को बताना है, सत और असत कर रहा है टैन ए का मान सदैव एक से कम होता है, टैन ए का मान सदैव एक से कम, एक से कम, तो टैन देखिए टैन 45 डिग्री का मान कितना आता है, टैन 45 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है एक होता है, समझ गया ना। तो ई तो एक आ गया, कह रहा है एक से कम, तो यही पकड़ा गया, तो एक से कम होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए तो टैन 30 के वैल्यू कितना हो जाता है, टैन 30, टैन 30 बराबर आ जाता है एक बटा रूट तीन, तो ई तो कोई बात नहीं एक से कम होगा, लेकिन टैन 60 बराबर कितना होता है, टैन 60 डिग्री बराबर रूट तीन, कथी रूट तीन, और रूट तीन के मान कितना था एक दशमलव कितना 73, तो ये एक से कम है कि ज़्यादा है, एक से ज़्यादा ना है। क्वेश्चन में कह रहा है टैन ए के मान सदैव एक से कम होता है, तो असत हो जाएगा, कहती है असत, ज़्यादा भी होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर बारह बटा पाँच होगा, सेक ए बराबर बारह बटा पाँच, सेक ए बराबर बारह बटा, सेक बराबर कथी होता है फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो ये बात तो सही है, कर्ण कति होता है बारह होता है, आधार कति होता है छोटा होता है, कोई एक मान है उसमें दिया हुआ है कर्ण कितना बारह, आधार कितना पाँच, यहीं पर अगर क्वेश्चन दिया रहा था पाँच बटा बारह तो ये हो जाता क्या चीज़ असत, कथी असत, क्योंकि कर्ण कति हो जा रहा है छोट हो जा रहा है, लंब आधार कति हो जा रहा है डबल हो जा रहा है, समझ गया। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है बारह बटा पाँच, करा सत होगा तो सत होगा, सत कथी सत। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, करा कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। चलिए इससे पहले हम लोग के टेबल याद करना होगा, जैसे इसको पुराना नाम होता था, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कितना साइन, उसके बाद कथी पढ़ते हैं कॉस, उसके बाद टैन, तो साइन का जो हम लोग पहले बोलते थे ना साइन, इसको ऐसे बोला जाता था ठीक। कॉस के कथी बोलते थे कोसाइन, कथे कोसाइन, टैन के क्या बोलते थे टेंजेंट, कथे टेंजेंट। उसके बाद देखिए तो साइन के उल्टा कथी होता है कौशिक, कथी कौशिक, तो कौशिक कथी बोला जाता था कौशिकेंट। उसके बाद कौश के उल्टा कथी होता है सेक, कथी सेक, सेक का बोला जाता था सेकेंट। उसके बाद टैन के उल्टा कथी होता है कोट, कथी कोट, कोट के पहले बोला जाता है कथी कोटेजेंट, कथी कोटेजेंट, समझ गया। तो इन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए रूप होगा, कॉस वाला के देखिए तो कॉस वाला के कथे होता है कोसाइन, कथे कोसाइन, ये तो कॉसे के ना होता है तो कथी हो जाएगा असत, कथे असत। उसके बाद देखिए कह रहा है कॉट ए, कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, कह रहा है कॉट ए के मतलब कॉट गुने ए होता है, कॉट गुने ए होता है नहीं होगा, समझ गया ना। जैसे कॉट गुने 30 डिग्री, कॉट गुने 30 डिग्री, एक कहने का मतलब कॉट 30 डिग्री थोड़ी रहेगा, इसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ रहबे करता है, समझ गया ना। कॉट ए रहे बी रहे सी रहे 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रहेगा, समझ गया ना, ये गुना के निशान बीच में ना होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा असत, कथे असत। अगला क्या है, करा किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 आएगा, साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3 कितना 3, तो साइन बराबर फॉर्मूला कथी होता है लम और बटा में कथी कर्ण, और हम लोग जानते हैं कर्ण कथी होता है सबसे डबल होता है, यहाँ पर कितना कर्ण दिया हुआ है 3 और लम कितना दे दिया हुआ है 4, तो ये तो गलती हो जाएगा, कथी हो जाएगा असत, कथी असत। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगला वीडियो में हम लोग कितना एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे, ठीक है।